जय जोहार, स्वागत है आप मन के खबर छत्तीसगढ़ में। मैं हूं आप मन के संग गंगोत्री। तो चला खबर मल देखबो विस्तार ले। हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति बिलासपुर के तत्वाधान में सीपत के नवा डी चौक में हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति बिलासपुर ला महानगर तक सीधा उड़ान भरे बर और बिलासपुर एयरपोर्ट ला फोर्सी लाइसेंस रहे जाए के मांग ले के 12वीं नुक्कड़ सभा जन जागृति अभियान के आयोजन करेंगे। नुक्कड़ सभा जन जागृति अभियान ला संबोधित करते हुए हवाई सुविधा जन संघर्ष समिति बिलासपुर के अधिवक्ता सुदीप श्रीवास्तव कहिस के NTPC ACCL जैसे कंपनी होए के बावजूद हमन ये सुविधा ले वंचित हो जाना हमार कना अन्याय आए। शांतिपूर्ण आंदोलन ले हमेशा कामयाबी मिली है। बिलासपुर में हवाई अड्डा के शुरुआत होए ले गांव गांव तक व्यवसाय रोजगार और शिक्षा के अवसर बढ़ी। बड़े शहर ले डॉक्टर आ सकी। पूर्व विधायक इंजीनियर रामेश्वर खरे कहिस के हवाई सेवा के शुरुआत होए ले हमार व्यवसाय और रोजगार में परिवर्तन आई। ये मौका में संघर्ष समिति के देवेंद्र सिंह बातू, महेश दुबे, ब्लॉक अध्यक्ष राजेंद्र धीवर, पूर्व विधायक रामेश्वर खरे, प्रवक्ता चित्रकांत श्रीवास समेत दूसर सबो दल के लोगन मन शामिल हुई। जो सीपत में NTPC का प्लांट लगा है उसमें सीधे रोजगार के अवसर इन्होंने बिल्कुल भी पैदा नहीं किए और केवल जो बाहर से लोग आए उन्हें रोजगार दिया है। हवाई सुविधा यहाँ अगर मिलती है बिलासपुर में तो जो वाकई में कुछ ऐसे उद्योगों की स्थापना इस क्षेत्र में हो सकेगी जिनसे सीधा रोजगार पैदा होता है। सीधा अगर हमारे प्रदेश को तो रायपुर को मिला हुआ है लेकिन अगर उत्तर छत्तीसगढ़ को बिलासपुर को मिल जाता है तो उत्तर बिलासपुर से लगा हुआ जो बहुत सारे जो जिले हैं वहाँ पे विकास का जो मार्ग है प्रशस्त होगा और लोगों को रोजगार भी मिलेगा, बड़ी बड़ी कंपनियाँ आएंगी। ये हमारे सुदीप श्रीवास्तव जी माननीय बताए कि रोजगार का संभावना भी बढ़ेगा, लोग आएंगे। जैसे कि अभी बताया कि IIIT हमारे पैसे CSR का जो फंड रहता है वो आज रायपुर में हवाई सुविधा के वजह से नहीं बन पाया।